कोविड-19 के लद्दाख के कल हमें 20 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं जो कि सारे नेगेटिव हैं, और ये सारे जो सैंपल्स थे वो कारगिल के थे। जुजिला से जो हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज ला रहे हैं उसके बारे में पहले भी हम लोगों ने आपके सामने रखा था कि हम कोविड-19 के जो केसेस कश्मीर में काफ़ी बढ़ गए हैं, जो कि अब 300 से ऊपर बढ़ गए हैं और वहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुए हैं, उसको देखते हुए बड़े ही हम लोग केयरफुली जुजिला से सामान ला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली है कि सोनमर्ग में जो हमारे ट्रक्स खड़े थे लद्दाख आने के लिए, क्योंकि द्रास में अभी बर्फ पड़ा है उसकी वजह से जुजिला बंद है, उसमें 5 लोग ऐसे मिले हैं जो कि कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस जो कश्मीर में हैं उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में थे, और 2 दिन से क्योंकि ट्रक्स वहीं खड़े थे उन्होंने लद्दाख में जो आ रहे थे ट्रक्स उनके बाकी लोगों के साथ भी उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है। तो हम लोग इमिडिएटली जे एंड के गवर्नमेंट की मदद से उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो भी यहाँ पर सामान लेके आता है हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी कि कोविड-19 फ्री ही यहाँ पर पैसेंजर्स या जो ट्रक के जो ड्राइवर्स और क्लीनर्स आए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग अब थोड़ा सा जुजिला पे अभी मॉडरेट तरीके से ट्रैफिक को खोलेंगे। सर जी, वो जो रिसेंटली 2 नेगेटिव पॉजिटिव पेशेंट का फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आया था जी, उनका दोबारा सैंपल कब जाएंगे? उनका सैंपल्स हमने भेजा है, आज हम लोगों का सैंपल नहीं जा पाया था किसी वजह से, फ्लाइट कैंसिल हो गया था, पर हम लोगों ने सैंपल्स हम भेज रहे हैं उनके, और बहुत जल्दी हम लोग उनका रिजल्ट भी आपके सामने रखेंगे। एक स्टूडेंट्स का भेजा था, उनका कुछ जी सर, पूर्व में भी हमने आपको कहा कि जो स्टूडेंट्स का इशू है बहुत ही गंभीर इशू है, और हमारे पूरी जो है कोऑपरेशन है स्टूडेंट्स के साथ, बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन का पॉलिसी है, और उसको देखते हुए हम लोग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं, हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स भी लगाए हैं, और हम लोग जो बात करते हैं हम स्टूडेंट्स से सबसे पहले इमीडिएटली ये करते हैं कि उनको कोई राशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनको वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स का काफ़ी जगहों से डिमांड भी आता है, हमारा जो पॉलिसी वो स्पष्ट है और ये फाइनल है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि एक ये नेशनल वो क्राइसिस है, इसमें पूरे देश के लोग एक साथ मिले हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें कॉपरेट करेंगे, और 3 मई के बाद अगर कोई पॉलिसी चेंज होता है तो वो नॉर्मल जो कोर्स है आपका कमर्शियल एयरलाइंस होगा, या अगर रोड्स अलाउ होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें आ सकते हैं, अलग से कोई व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको पता है करीब 15,000 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस लद्दाख है, उनका सेफ्टी उनके कम्फर्ट वो हमारी प्रायोरिटी है, बट स्टूडेंट्स को यहाँ लाने का ना तो कोई पॉलिसी है आगे है और ना तो कभी आगे रहेगा हमारा जी। सर, ये 20 तारीख के बाद लद्दाख के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा सर? जी, 20 के बाद जो गवर्नमेंट एडवाइजरी है उसमें डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइलिंग हुआ है, बट बाय एंड लार्ज जो अभी निकल के आ रहा है वो ये है कि हम रूरल एरियाज में जो कि आपके म्यूनसिपैलिटी एरिया से बाहर है वहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ सिचुएशन को देखते हुए रिलैक्सेशन जरूर देंगे। एग्रीकल्चर में पहले ही हम लोगों ने रिलैक्सेशन दे रखा है, हो सकता है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन के जो एक्टिविटीज़ है उसको भी जो रूरल एरिया में वो परमिट कर दें, बट अभी 20 के बाद ही हम लोग फाइनल आपके सामने अपना पूरा जो है पॉलिसी रखेंगे। सर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो पेशेंट्स ले से बाहर रह गए या कोई तो उनके लिए थोड़ा फाइनेंशियल एड का विचार तो नहीं है कि क्योंकि कोई स्टेट वगैरह थोड़ा जो पैसेंजर बाहर का सर उनको थोड़ा मदद दिया जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक पेशेंट्स की सवाल है, हम लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ा है। डीसीज अगर सर्टिफाई करके देते हैं कि अगर बाहर कोई पेशेंट है जिसको कि कोई फाइनेंशियल एड वगैरह की जरूरत है तो इमीडिएटली विल टेक अ डिसीजन ऑन दिस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जैसे आपने कहा कि वो पेशेंट्स को यहाँ लाने की बात है, आपको पता होगा कि हम लोग करीब यहाँ से 3-4 पेशेंट्स यहाँ से हम लद्दाख से दिल्ली और चंडीगढ़ भेज चुके हैं, वहाँ से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ बात करें, जो बहुत ही क्रिटिकल केसेस हैं जिनको कि यहाँ लाना जरूरी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी कोई रास्ता निकल के आएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।